Hello students, so uh, we have started chapter 7 packing from your book Behive. So we were reading how narrator thought and declared that he would do the packing as they were going out for a boat trip as three friends wanted a change from their dull routine. So when the narrator declared that he would do the packing, both of his friends george and harris they readily accepted his suggestion and they left the entire matter to him and both the friends sat on the chair in a relaxing mood and that thing irritated narrator the most because he never intended that thing okay he just thought about supervising the things and guiding them ओके एंड गिविंग देम डायरेक्शंस ओके उसने ये नहीं चाहा था कि सारा काम ही उसको करना पड़ेगा पैकिंग का वो तो सिर्फ बॉस अबाउट करना चाह रहा था उनको पर उसके फ्रेंड्स ने तो उल्टा ही किया जैसे उसने बोला मैं पैकिंग करूँगा मैं एक्सपर्ट हूँ तो बोलते ठीक है भाई तुम करो पैकिंग ओके सो नाओ स्टार्टिंग नेक्स्ट ंग डिड इरीटेटेड मी तो इस चीज ने उसको बहुत इरीटेट किया उसको बहुत चिड़ मची इस चीज से सो देअर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सींग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग वैन आई एम वर्किंग तो वो कह रहा है कि इससे ज़्यादा चिड़ किसी चीज़ से नहीं मचती जब आप काम कर रहे हो और दूसरे लोग सामने बैठ के आपको देख रहे हो ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये चीज़ मेरे को बहुत ख़राब लगती है आई लिव्ड विद द मैन वंस हु यूज टू मेक मी मैट दैट वे तो यहाँ पे वो एक इंसिडेंट रिकाउंट करता है कि एक बार एक आदमी था जिसके साथ मैं रहता था वो ऐसे ही मुझे गुस्सा दिलाता था ही वुड लॉल ऑन द सोफ़ा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आर्ट्स टूगैदर तो वो खुद तो सोफा पे रिलैक्स होके बैठ जाता था और मेरे को निहारता रहता था मेरे को देखता रहता था वाइल डूइंग द थिंग्स फॉर आवर्स कई कई घंटों तक तो ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट और ये भी बोलता था कि उसको ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि जब मैं उसको देखता था मतलब नरेटर को वो देखता था और नरेटर जब कन्फ्यूज़न में काम करता था क्योंकि जब हमें कोई देख रहा होता है ऑब्जर्व कर रहा होता है तो हम अपना नॉर्मल वे में काम नहीं करते जरूर कन्फ्यूजन्स होती हैं ठीक है ये बच्चों आपने भी नोट किया हो कि जब आप कोई काम कर रहे हो ठीक है घर की क्लीनिंग कर रहे हो और साथ साथ आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा हो लगातार और इंस्ट्रक्शंस दे रहा हो तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ ही जाते सोने so, नरेटर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो कहता है नाउ आई एम नॉट लाइक दैट पर मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं आराम से बैठ जाऊँगा और जो दूसरा काम कर रहा है उसको ऑब्जर्व करूंगा या उसको इंस्ट्रक्ट करूँगा मेरे को ये आ, नहीं पसंद है कि मैं आराम से सॉरी बैठ जाऊँगा सामने किसी के आई सिट स्टिल एंड सी अन अदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग मैं ये ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मैं बैठ जाऊँ और अदर पर्सन सामने लाइक अ स्लेव वो काम कर रहा है आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपटेंट ओके मैं कभी बैठूँगा नहीं आराम से मैं खड़ा होकर उस चीज को सुपरवाइज करूंगा एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स तो वो करेगा क्या पॉकेट्स में हाथ रख के आस पास घूमेगा बैठेगा नहीं तो करेगा तो क्या यही करेगा ठीक है तो यहाँ पे देखो ये ह्यूमरस टच है ठीक है समथिंग फनी uh, कि वो अपने आप को ही कन्विंस कर रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूँ पर करेगा अभी तो क्या करेगा पॉकेट में हाथ डाल के आसपास घूमेगा एंड टेल हिम व्हाट टू डू एंड इट इज माय एनर्जेटिक नेचर आई कांट हेल्प इट और उनको बताऊंगा कि क्या करना है कैसे करना है तो ये मेरी मैं हूं इतना एनर्जेटिक तो आई कांट हेल्प इट मैं अपने आप को नहीं रोक सकता मैं हूँ ही इतना अच्छा मैं हूँ ही इतना इनर्जैटिक सो हाई वर आई डिट नॉट से एनी थिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग तो मैंने कुछ नहीं बोला और मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी इट सीम्ड ए लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा टाइम लग रहा था बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट एट लास्ट ही फिनिश्ड द पैकिंग एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप इट ही सेट ऑन द बैग एंड टाइड इट बाय स्ट्रैपिंग इट जो स्ट्रैप्स लगे होते हैं उनको बांध दिया एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन

तो हैरिस ऐसा ही है ऐसे ही करता है पहले क्यों नहीं बोला ही कुड नॉट ए वर्ड इवन अंटिल आई हैरिस ऐसा ही है क्या वो पहले नहीं बोल सकता था ठीक है जब तक मैंने बैग बंद करके स्ट्रैप नहीं कर दिया तब तक वो कुछ नहीं बोला और जैसे ही उसने बैग बंद किया तब वो बोला और जॉर्ज जॉर्ज हंस रहा है one of those irritating senseless laughs of his कितने इरिटेटिंग लाफ वो करता है और सेंसलेस मीनिंगलेस ठीक है तो नेचुरली जिस बंदा जो काम कर रहा है उसको गुस्सा आएगा ही ऊपर से वो हंस रहा है जोरज उस पे ठीक है तो उसको इरिटेशन होगी दे डू मेक मी सो वाइल्ड इस तरह उन्होंने मेरे को पागल बना रहे थे बेवकूफ बना रहे थे मेरा मजाक उड़ा रहे थे और उसको गुस्सा आ रहा था एंड आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन एंड देन जस्ट एज आई आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट अ हॉरिबल आइडिया टू मी खोला बैग को दोबारा बूट्स डाल ले और जैसे ही वो बैग को क्लोज करने लगा था तभी एक अनदर हॉरिबल आइडिया एक टेरिबल आइडिया ओकर टू मी मीन्स टू केम इन टू माइंड क्या दिमाग में आया हैड आई पैक्ड माय टूथब्रश तो ये तो सबके साथ होता है जब जब भी हम बाहर जाने के लिए पैकिंग करते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं ठीक है जहाँ सोचते हैं कि अगले दिन ब्रश करके पैक करेंगे और फिर ब्रश करके उसको वहीं पे रख देते हैं Had I packed my toothbrush, I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. और ये मेरे साथ हमेशा ही होता है पता नहीं क्यों ठीक है मेरे को कभी नहीं पता होता है कि क्या मैंने अपना टुथब्रश पैक कर लिया है या नहीं किया है आई रिमेंबर वंस वी हैड बिन टू जयपुर टू अटेंड अ मैरिज तो हम मैरिज अटेंड करने गए थे जयपुर एंड वी हैड थ्री बैग्स विद अस और दोनों बच्चे छोटे थे तो कोई भी चीज़ गुम हो जाती थी या हमें चाहिए होती थी तो तीनों बैग्स को अनपैक करना पड़ता था तो हंसी भी आती थी और हम पागल हो जाते थे बैग्स को बार बार अनपैक पैक कर कर के तो उस दिन के बाद सोचा तो कि फॉर एवरी मेंबर ऑफ फैमिली देयर विल बी अ सेपरेट बैग ओके तो जब बच्चे बड़े हो गए तो सब अपना अपना सामान अपने अपने बैग में पैक करते थे और अपना अपना बैग खुद उठाते थे ओके okay? और मेरा बैग वो कोई भी उठाता था तो इस तरह ये पैकिंग में होता ही है सो माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी वेन आई एम ट्रैवलिंग तो नरेटर को ये ये चीज़ हमेशा उसके दिमाग में आके उसको बार बार तंग करती थी हॉन्ट मतलब टू कम सम थॉट टाइम एंड अगेन टू योर माइंड एंड मेक यू अपसेट तो टूथब्रश एक ऐसी चीज़ थी जिसका ख्याल बार बार उसको आता था ड्यूरिंग ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ मिज़री तो मेरे को परेशान करता था ठीक है मिजरी मीन्स दैट मेक्स यू अपसेट और फील पेनफुल ओके okay, तो इस तरह मेरे को बहुत अपसेट करती थी ये थिंक आई ड्रीम दैट आई हैव पैक्ड इट तो उसको सपना आता था कि वो टूथब्रश पैक करना भूल गया एंड वेक अप इन ए कोल्ड प्रस्परेशन उसको पसीने से भर जाता था सोच के ही ना कि टूथब्रश ने पैक करा एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट और बेड से उठ के फिर ब्रश को ढूंढता था एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज इट तो ये मॉर्निंग में सुबह उठते सबसे पहले ब्रश पैक कर लेता था एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट फिर याद आता है कि अभी ब्रश करना है तो दोबारा से अनपैक करता था ताकि उसमें से टूथब्रश निकाल सके एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग ओके एंड देन आई रीपैक एंड फॉर गेट इट क्योंकि ये लास्ट थिंग होती थी जो वो बैग में से लेने जाता था और उसके बाद वो फिर से बैग को रिपैक कर देता था और ब्रश को भूल जाता था एंड हैव टू रश अप अपर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट और लास्ट मोमेंट में फिर दौड़ा जाता था ऊपर एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकर और एंड में उसको दोबारा जाके घर के अंदर से लेके अपने हैंकी में उसको रुमाल में पैक करके पॉकेट पॉकेट में लेके जाता था सो so, अब फिर वही वो, वो टूथब्रश भूला है उसको दिमाग में आया ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट ऑफ नाउ तो ऑफ कोर्स उसको सारा सामान एवरी मॉर्टल का मीनिंग एवरी ऑर्डिनरी थिंग जो भी बैग में रखा था उसको दोबारा बाहर निकालना पड़ा एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट और मेरे को ब्रश नहीं मिला आई रमेज द थिंग्स अप इन टू मच द सेम स्टेट दैट देवर बिफोर द पैकिंग रमेज मीन टू सर्च समथिंग इन अ हरी इन हरीट एंड केयरलेस वे तो वो दोबारा से सारा सामान जल्दी जल्दी निकालता था और बिखरा देता था ऐसे बिखर जाता था सामान जैसे कि बिफोर पैकिंग वो इधर उधर पड़ा था